एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, फिजिक्स में जो बता रहे थे आपको वे बैंड साउंड में, उसका नया टॉपिक आपके पास सामने आ रहा है। तो ये है कि वायु और गैस और ठोस और द्रव, जब हम कहते हैं एयर ले लेते हैं या आपका गैस ले लेते हैं, तो वहां पर जब हमारी साउंड चलती है तो हमने बताया था कि साउंड दो तरह चलती है, वेव दो तरह होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है और दूसरा क्या होती है, ट्रांसवर्स होती है। तो अब हम कह रहे हैं कि जब हमारा वायु है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या है, वेव एंड साउंड। तो फिजिक्स में हो गया कि हमने आपसे कहा वायु ले लें या आप क्या ले लें, गैस ले लें। जब वायु या गैस लेते हैं तो हमारी जो ध्वनि होती है उसके गति करने का जो तरीका होता है कैसा होता है, क्योंकि दो ही होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है और दूसरा क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है। तो हम क्या ले यहां पे रहेगा, जब वायु और गैस हो गया तो अनुदैर्ध्य होगा, क्या होगा, अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल मीडियम में होती है, जब मीडियम कैसा हो, जैसे ध्वनि जब चलती है और उसका मीडियम यदि जो है एयर हो गया अथवा गैस हो गया, तो एयर हो गया अथवा गैस हो गया तो ध्वनि को जो चलने वाली वेव होती है वो कैसी होगी, तो वो लॉन्गिट्यूडनल होगी। इसी प्रकार यदि ठोस है और क्या है, द्रव है, तब क्या होगा उसका, तब उसका होगा अनुप्रस्थ होगा, क्या होगा, अनुप्रस्थ होगा। अनुप्रस्थ को क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कहते हैं। तो दोस्तों ये दो प्रकार की हमारी हो गई। जब हम सॉलिड या लिक्विड कहेंगे, ये क्या है, सॉलिड हो गया और ये क्या है, लिक्विड हो गया और ये क्या, गैस है। तो जब सॉलिड और लिक्विड पूछेगा तो कैसी होगी, अनुप्रस्थ होगा, और जब आपका एयर एंड गैस पूछेगा तो हमारा क्या होगा, हमारा आपका लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। मतलब याद रखिएगा, इसका अर्थ ऐसे होता है, ऐसे ले लेंगे आप और डाउन करेगा, इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे होता है, याद रखिएगा हम आपको बताए थे, ऐसे ऐसे बताए थे। तो इसके लिए ये हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं, ध्वनि जो चलती है वो किस पर डिपेंड करती है, घनत्व पर डिपेंड करती है या इलास्टिसिटी पर डिपेंड करती है। जब ध्वनि हम बोल रहे हैं, जिसे आपके पास जा रहा ध्वनि हो रही है, साउंड हो रहा है, जा रहा है, तो ये डिपेंड किस पर करता है, डेंसिटी पर करता है या इलास्टिसिटी पर करता है। तो आइए इसको भी बता देते हैं। तो ध्वनि जो हमारा है, आइए ध्वनि है, ध्वनि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, जो ध्वनि है, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल यदि प्रत्यास्थ है, प्रत्यास्थता है, प्रत्यास्थता अधिक है, क्या है, प्रत्यास्थता क्या है, अधिक है, तो ध्वनि की चाल क्या होगी, ध्वनि की चाल अधिक होगी, ध्वनि की चाल क्या होगी, अधिक होगी। तो ये आ गया कि ध्वनि की चाल डिपेंड किस पर करता है, तो ध्वनि की चाल उसकी इलास्टिसिटी पर निर्भर करता है। इलास्टिसिटी क्या होता है, जब किसी पिंड पर या किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाया जाता है और उस फोर्स को हटा लिया जाता है तो पुनः उसी स्टेट में आ जाती है, उसी अवस्था में आ जाती है, उसको क्या कहते हैं, उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। तो ये हो गई प्रत्यास्थता और ये हो गई आपका ध्वनि की चाल। तो प्रत्यास्थता अधिक है तो ध्वनि की चाल अधिक होगी। अब हम डेंसिटी पे ले लेते हैं कि ध्वनि की चाल जो है क्या डेंसिटी पर डिपेंड करती है, ध्वनि की चाल, चाल ले ले रहे हैं किस पर, घनत्व पर, किस पर, घनत्व पर, घनत्व अधिक है,
घनत्व यदि अधिक है तब क्या चाल की क्या होगी? तो ध्वनि की चाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जरूर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें, शेयर कर दें तथा मित्रों आखिरी तक जरूर इसको देखा करें, क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट चल रहे हैं। जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं या SSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा त्यों ही जो है आपका कुछ SSC के पेपर बाकी है वो होंगे, उसके बाद रेलवे का पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो जो मित्र रेलवे के अपना पर्पज बनाए हैं वो लोग जरूर नोट्स बना लें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करा दें, शेयर कर लें। और इसके बाद अब चलते हैं। हमने आपसे कहा कि अगर ध्वनि की जो है घनत्व अधिक है, किसी भी बॉडी का डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है सॉलिड होना, उसकी सॉलिडिटी ज्यादा है, और तो उसमें ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ध्वनि की चाल यहाँ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अब जो चलते हैं प्रत्यास्थता पे। हम कहते हैं कि प्रत्यास्थ का मतलब होता कौन कौन है। जैसे आपसे पूछ ले कि जो है गीली मिट्टी क्या है, तो गीली मिट्टी सॉलिड है कि नहीं है, गीली मिट्टी सॉलिड है कि नहीं है, तो गीली मिट्टी कहीं ना कहीं सॉलिड तो है। गीली मिट्टी क्या है? सॉलिड तो है। गीली मिट्टी क्या है? गीली मिट्टी जो है सॉलिड है। गीली मिट्टी क्या है? सॉलिड है। और उसके बाद ले लेते हैं लकड़ी का बुरादा, ले लेते हैं लकड़ी का क्या ले लेंगे? बुरादा। उसके बाद क्या ले लेंगे? नमक ले लें। इसमें से ये क्वेश्चन मिल जाएगा मित्रों, याद रखिएगा। तो जो नमक का बुरादा हो गया, नमक हो गया, लकड़ी का बुरादा हो गया, गीली मिट्टी हो गई, ये तीन है। तो इसमें जो है प्रत्यास्थता क्या होती है? प्रत्यास्थता सब में शून्य होती है, याद रखिएगा। प्रत्यास्थता क्या होती है? शून्य हो जाती है। और जब ये प्रत्यास्थता शून्य हो गई तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? हमने कहा है डिपेंड किस पर करता है? प्रत्यास्थता पर। जो जितना अधिक प्रत्यास्थ होगा उसमें ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक होगी। तो इसकी प्रत्यास्थता जब शून्य हो गई तो इसमें ध्वनि की चाल क्या होगी? ध्वनि की चाल आपके सब में क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। अब हम चलते हैं आपको कुछ जगहों पे, जैसे एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल क्या होगी, कांच में ध्वनि की चाल क्या होगी, इसको बता देते हैं। तो यह जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, अक्सर परीक्षाओं में आ जाता है। तो आइए अब हम चलते हैं जो आपसे प्रश्नों में पूछा हुआ है। चलते हैं हम पहले गैस ले लेते हैं। पहले क्या लेते हैं? गैस। तो गैस का हम ले रहे हैं, तो गैस में हम पहला उठा रहे हैं, तीन लेके चलेंगे गैस में। कौन को लेके चलेंगे? पहला हम लेते हैं एयर। क्या ले रहे हैं? एयर। तो हमारे पास दो होता है, एक होता है 0 डिग्री सेल्सियस और एक होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है कि वहां पर टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाए। 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब रूम टेम्परेचर है, जो इस समय टेम्परेचर चल रहा है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर एयर में ध्वनि की चाल, किसकी चाल? ध्वनि की चाल, याद रखिएगा। हम किसकी चाल ज्ञात कर रहे हैं? ध्वनि की चाल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको आखिरी तक जरूर देखिएगा और इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। तो जो है ध्वनि की चाल किसमें अब आपको चलेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 होता है, 332 मीटर पर सेकेंड, इसमें नहीं मापा गया है। उसके बाद अब आपको चलते हैं हीलियम ले लेते हैं। एयर हो गया, फिर हीलियम हो गया। तो हीलियम का अब हम इसमें लेंगे, हीलियम का कितना है?
9651 या 965 है, 965 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसी प्रकार ऑक्सीजन में कितनी होती है, तो ऑक्सीजन में यहां ले लेंगे कितना हो गया 316 मीटर पर सेकेंड हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी प्रकार ये गैस का माध्यम हो गया, अगला हम मीडियम ले लेंगे, अगला मीडियम क्या ले लेंगे, अब गैस के बाद हम चलते हैं द्रव चलते हैं, लिक्विड चलते हैं। तो लिक्विड में जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लीजिए, कौन इंपॉर्टेंट है, पहला है आपका है जल, जो है समुद्र का जल, जल कौन है, जल है आपका है पहला समुद्र का है, तो समुद्र के जल का हम देख लेते हैं। तो समुद्र के जल का 0 डिग्री सेल्सियस पर है 1533 मीटर पर सेकेंड, और उसमें कितना है, ज्यादा अंतर नहीं है, 1531 मीटर और क्या है पर सेकेंड है। उसके बाद जल का जो पुनः ले लेंगे, यह पूछा हुआ है, यह आ चुका है, कौन जल है, आसुत जल है, कौन जल है, आसुत जल है। तो आसुत जल में होता है 1493 और उसका होता है 1498 मीटर पर सेकंड होती है। अब इसके बाद चलेंगे हम ठोसों में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें चलेंगे ठोसों में, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ठोस के लिए। अब हम सॉलिड में चलते हैं, तो सॉलिड में हम चलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा हुआ है, पहला हम लेते हैं एल्यूमिनियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका है 6420 मीटर पर सेकेंड है, उसका होता है 64, ये भी होता है 20 मीटर पर सेकेंड होता है। एल्यूमिनियम के बाद अगला हम ले लेते हैं निकिल, ले लेते हैं तो निकिल का इसमें 0 डिग्री सेल्सियस में नहीं मिलता है, इसमें मिलता है, इसमें होता है 6040 मीटर पर सेकेंड होता है। आयरन का पूछा हुआ है, आयरन का ये देख लेते हैं, तो आयरन का 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है 51 30 मीटर पर सेकेंड, उसमें कितना होता है 60 मीटर पर सेकेंड। एक और ले लेते हैं, कांच का ले लेते हैं, कांच का जो है ये देख लेंगे सॉलिड है, तो ये हो गया 54 60 हो गया, और इसका हो गया आपका 39 39 80 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो मित्रों यहाँ पे तो हम सॉलिड की बात कर रहे थे, सॉलिड जो है आयरन ज्यादा होता है एल्युमिनियम के अपेक्षा, फिर भी साउंड किसमें ज्यादा है, एल्युमिनियम में ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, प्रत्यास्थता ज्यादा होती है, प्रत्यास्थता की वजह से ही एल्युमिनियम में साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम होती है, लेकिन आयरन में मैक्सिमम नहीं होती है। तो ये प्रश्न अक्सर पूछ लेता है। तो मित्रों अब इसके बाद हम कल बताएंगे कि यदि ध्वनि चलती है तो टेम्परेचर पे क्या डिपेंड करेगी, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ध्वनि साउंड बढ़ेगा कि घटेगा, तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि लाप्लास संशोधन करते हैं, लाप्लास का नियम है, तो लाप्लास के अनुसार टेम्परेचर की चर्चा हम कल करेंगे। तो मित्रों ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।